Hello everyone, welcome to Inside IAS. Friends, today's our first topic is Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है. इसमें कंडीशनल कैश को ट्रांसफ़र किया जाएगा. इसमें जो प्रोविजंस है वो 5000 रुपीज़ का है, बट वो 5000 वो इंस्टॉलमेंट में पैसे ट्रांसफ़र डिलीवर किए जाएंगे. सबसे पहले जब कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है उसमें कुछ कंडीशंस फुलफ़िल होंगे तब नेक्स्ट जो इसके इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ होगी. सबसे पहले जैसे कि कंडीशन है आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी का जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तब 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र होंगे. उसके बाद में 1 एंटीनेटल चेकअप, रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड वैक्सीनेशन. जब ये क्राइटेरिया फुलफ़िल होंगे तब नेक्स्ट 2000 का इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होगा और उसके बाद में 2000 का रिलीज़ होगा. तो टोटल कितना है? 5000 रुपीज़ कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है. इस स्कीम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है वो विमेन जो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रही है वो इसकी बेनिफिशरीज नहीं है. मेनली बेनिफिशरीज है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वीमेन को. अब इसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके कारण ये अभी न्यूज़ में है, इसके एक्सक्लूजनरी नेचर के कारण. कौन कौन से प्रोविजन है? फर्स्ट प्रोविजन तो है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर वन चाइल्ड. इसमें रिक्वायरमेंट होगी हस्बैंड्स आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी और मिनिमम एज है वो 19 ईयर्स होनी चाहिए, जबकि मैरिज की एज कितनी है मिनिमम 18 ईयर्स. इसके अलावा फादर एंड मदर नीड टू गिव सेपरेट अंडरटेकिंग दैट द चाइल्ड इज़ द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड फॉर बोथ ऑफ देम. ये अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा. इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ मैरिटल होम, मैरिटल होम के भी एड्रेस देना पड़ेगा. तो इन सारे प्रोविजंस की वजह से ये अभी न्यूज़ में है. इसकी वजह से जो सिंगल वीमेन इंक्लूडिंग अनवेड मदर्स एंड डेजर्टेड वाइव्स एंड विडोज़ को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिट लेने के लिए टोटल 6 एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने पड़ेंगे, जिनके लिए जो टोटल 32 पेजेस है. तो अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वीमेन को 30 से 32 पेजेस को फिल करना है तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है. इसके अलावा 9 आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये सारे प्रोविजंस हैं जिसके कारण ये न्यूज़ में है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इनके ये प्रोविज़न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. द फॉर्म ऑल्सो रिक्वायर सेपरेट अंडरटेकिंग्स ऑन द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड फ्रॉम द वीमेन एंड हर हस्बैंड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है. इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 1987 के अंदर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973. पर्पज़ क्या है? प्रोटेक्टिंग, प्रोपेगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ एंड इट्स एनवायरमेंट. तो इसका रिवर का नाम कावेरी रिवर जो है इसकी बाउंड्री से फ्लो होती है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जो फौना पाए जाते हैं, तो क्रोकोडाइल्स मिलते हैं जो कि शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन है. इसके अलावा ऑटर्स पाए जाते हैं और हम बैक्ड मार्शल फिश. अब ये हम बैक्ड मार्शल फिश क्या है? ये फ्रेश वाटर फिश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस. कॉल्ड द टाइगर ऑफ द वाटर एंड फाउंड ओनली इन द कावेरी रिवर बेसिन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली कावेरी रिवर बेसिन में ये पाई जाती है. और कावेरी रिवर बेसिन जो है कर्नाटका के साथ में इंक्लूड करता है केरला, पंबार, काबिनी एंड भाविनी जो रिवर्स है उनके बेसिन को इंक्लूड करके कावेरी रिवर बेसिन बनता है. वहाँ पे सिर्फ मिलती है ये हम बैग्ड मशीर जो कि फ्रेश वाटर फिश है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विजय दिवस. विजय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को एवरी ईयर. ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो इंडिया विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान है वो लिबरेट होके अलग से एक नेशन बन गया था बांग्लादेश, तो उस दिन को कमोमरेट करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है. ऑन 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था. द एंड ऑफ द 14-day वॉर रिजल्टेड इन सेसेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इनटू बांग्लादेश. ईस्ट पाकिस्तान से क्या बन गया था? बांग्लादेश बन गया. इस दिवस को मनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए एयरफोर्स ने अपनी एक टीम है, टीम ऑफ 25 एयर वॉरियर्स फॉर ए रनिंग एक्सपेडिशन फ्रॉम कारगिल टू कोहिमा. उसका नाम भी रखा हुआ है K2K अल्ट्रा मैराथन ग्लोरी रन. बेसिकली नाम याद रखना है K2K किससे रिलेटेड है. एयरफोर्स की जो 25 एयर वॉरियर्स की जो विंग है वो कहाँ से कहाँ एक्सपीडेट करेगी? कारगिल से कोहिमा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रिस्टल अवार्ड. क्रिस्टल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और ये हॉस्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स वर्ल्ड आर्ट्स फोरम. किस लिए दिया जाता है? टू रिकॉग्नाइज एज वेल एज सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ लीडिंग आर्टिस्ट
एंड कल्चरल फिगर्स हुज लीडरशिप इंस्पायर्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल चेंज. तो आपको याद रखना है क्रिस्टल अवार्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती है? दिस आर द स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंड एक्सेप्शंस इंजॉयड बाय द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स. जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स और कमिटीज़ के मेंबर होते हैं उनको कुछ स्पेशल राइट, इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशन दिए होते हैं ताकि वो उनके अपने फंक्शंस को प्रॉपरली फुलफिल कर सके. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सटेंड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज टू दोज पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी ऑफ इट्स कमिटीज. दिस इंक्लूड द जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स वो अटेंड कर सकते हैं एंड यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनको भी ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी जाती है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है. और इसको याद रखना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को नहीं दी जाती, जबकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है. प्रेसिडेंट के लिए जो प्रिविलेजेस है वो अलग से एक आर्टिकल है, उसके अंदर मेंशन है, वो है आर्टिकल 361. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन दिस. और बात करें आर्टिकल 105 के अंदर द टर्म स्पीच इन पार्लियामेंट, इसके अंदर दो टाइप की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंशन की हुई है आर्टिकल 105 के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और दूसरी है राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग. इसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर यहाँ पे कुछ प्रोविजंस है, वो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसीडिंग्स. मीन्स जब प्रोसीडिंग्स हो रही है उस केस में मेंबर्स को अरेस्ट नहीं कर सकते और उनको डिटेन नहीं कर सकते सिविल प्रोसेस वाले केस में. ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ ए कमिटी देयर ऑफ एंड 40 डेज जो बिफोर इट्स कमेंसमेंट एंड 40 डेज आफ्टर इट्स कंक्लूजन. मीन्स जो पार्लियामेंट के जो सेशन है 14 डेज पहले और 40 डेज बाद में भी इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल मैटर में. काफ़ी ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं हो जाए आपको. इट्स नीड्स टू बी नोटेड दैट द पार्लियामेंट टिल नाउ हैज़ नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं वो. अभी तक पार्लियामेंट ने इस टाइप का कोई स्पेशल लॉ इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड नहीं बनाया हुआ है. एक्सक्लूसिवली कोडिफाई ऑल द प्रिविलेजेस, सारी जो प्रिविलेजेस हैं उनको एक्सक्लूसिवली किसी लॉ में कोडिफाई अभी तक नहीं किया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. प्रिविलेज कमेटी की बात करें तो ये स्टैंडिंग कमेटीज है. दो टाइप की कमेटीज होती है, एक होती है स्टैंडिंग, दूसरी होती है एडॉक. एडॉक जो होती है आपकी टेम्प्रेरी होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है तब उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और स्टैंडिंग होती है परमानेंट कमेटीज होती है. इस कमेटीज़ के जो मेंबर होते हैं, अगर लोकसभा के अंदर ये कमेटी बनाई हुई है तो उसमें 15 मेंबर्स होंगे, और राज्यसभा में बनाई हुई तो उसके 10 मेंबर्स होंगे. मेंस 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिविलेज मोशन. रिसेंटली जो बीजेपी के मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन को मूव किया गया है अगेंस्ट स्मृति ईरानी इन द लोकसभा. किस लिए? इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. इसलिए कि ऐसा इन पे आरोप है कि इनकी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इनको मिली हुई है उनका इन्होंने ब्रीच किया है. तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज इंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शंस. कुछ राइट्स उनको दिए हुए अपने फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए. व्हेन एनी ऑफ दिस राइट्स एंड इम्यूनिटीज आर डिसरिगार्डेड द ऑफेंस इज कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड इज पनिशेबल अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट. अब अ नोटिस इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मोशन बाय एनी मेंबर. याद रखना, किसी भी मेंबर के द्वारा ये प्रिविलेज मोशन को स्टार्ट किया जा सकता है. जो कंसर्न मेंबर है वो नहीं, कोई दूसरा मेंबर भी प्रिविलेज मोशन के लिए आप अप्लाई कर सकता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. रोल ऑफ द स्पीकर और राज्यसभा, अब अगर वो प्रिविलेज मोशन पास हुई है लोकसभा के अंदर तो स्पीकर का रोल रहेगा, और राज्यसभा के अंदर है तो राज्यसभा चेयरमैन का रोल होगा. सबसे पहले जो है चेयरपर्सन जो है वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी है, वो डिसाइड करेंगे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ है. उसके बाद में जब उनको लगेगा कि मैटर को वो चाहे तो प्रिविलेज कमेटी को भी रेफर कर सकते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लोकसभा के अंदर वो कमेटी बनेगी तो 15 मेंबर्स होंगे, और राज्यसभा के अंदर कमेटी बनेगी तो 10 मेंबर्स होंगे. रूल गवर्निंग प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस से रिलेटेड जो रूल है वो लोकसभा के अंदर रूल नंबर 222 और राज्यसभा के अंदर 187 जो है वो आपका प्रिविलेजेस से रिलेटेड रूल को मेंशन किया हुआ है. रूल से दैट अ मेंबर मे विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर और द चेयरपर्सन रेज ए क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस आइदर ऑफ ए मेंबर और ऑफ द हाउस और ए कमिटी देयर ऑफ. मीन्स कोई भी मेंबर इस मोशन के लिए आपको इसको एंडोर्स कर सकता है. कोई भी मेंबर जिस
जो दूसरा मेंबर जिसके अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो भी इसको कर सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट्स को हमने कुछ 3-4 डेज पहले डिस्कस किया था, जब हमने जागा मिशन को डिस्कस किया था, जो उड़ीसा का जागा मिशन है तब हमने इसको डिस्कस किया था। इन द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर अर्बन फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये प्रीलिम्स 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, UN Habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all. Yes, it was the provision under the UN Habitat. So option first, statement first will be correct. Its partners are either government or local urban administrative authorities only. No, it is wrong, because government ke alawa NGOs bhi ho sakte hai, private organization bhi iske member ho sakte hai, so private companies bhi member ho sakti hai. So statement second is wrong, so second ko wrong kar diya, to isme do option bach gaye. Third hai, UN Habitat contributes to the overall objective of United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation. Yes, it was the provision under UN Habitat. So correct answer will be 1 and 3, means option B. आप अगर ये वीडियो आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जब हमने डिस्कस किया था UN Habitat को। Let's move to next topic, next question, that is related to money. मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको पूछा गया प्रीलिम्स 2018 के अंदर। रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल का मेंशन किया हुआ है, कौन से बिल को मनी बिल कंसिडर किया जाएगा, मैं आपको, आप नोट डाउन कर लो इसको, द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इन टू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, एंड द फोर्थ, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी ऑन और द audit of the accounts of the union or of a state or any matter incidental to any of the matters specified above. तो ये सारे provisions है वो money bill के अंदर deal किए जाते हैं। तो आप देखते हैं कौन से statement इसका not correct है। So a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions related to imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax. Yes, this option is correct. And then a money bill has provisions for the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India. Yes, it is also correct. The money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India. Contingency fund nahi hai, consolidated fund of India. So it is not correct. So question mein pucha gaya not correct statement kaun sa hai, so aapka answer kya rahega, answer to rahega ऑप्शन सी, बिकॉज क्वेश्चन ने पूछा है नॉट करेक्ट और सी वाला जो स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट है। फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं, अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज करेक्ट। सो इन दिस केस करेक्ट आंसर विल बी सी, बिकॉज सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। क्विज को सॉल्व करके अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, हैव ए नाइस डे।